Hey guys, welcome back to a new vlog. तो guys, फिलहाल भाई अभी सुबह भाई साहब मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी जान उठ चुका है सुबह के 10 बजे और भाई अभी ओम भाई के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई। ओम भाई तेरे लिए गिफ्ट है भाई। भाई अपनी एक चीज में ना भाई एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम, बहुत ही तगड़ा काम होने वाला है। वो किसी से बोलना नहीं है, वो तो खुद देख के समझ जाएगा। बेसिकली ये काम होने वाला है अपनी एक चीज पे। कैसा है? बहुत तगड़ा है। है? बहुत तगड़ा। कैसा? बहुत तगड़ा। कैसा? तगड़ा बहुत है यार। तगड़ा बहुत है। कर दे फिर बता। रेडी? ऑल सेट टू गो? रेडी। तो गाइस वो सरप्राइज क्या है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा भाई। बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही यूनिक सरप्राइज है भाई, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अतरंगी चीज है भाई। वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा भाई कि क्या चीज होने वाली है, बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली, जो भी होने वाली है। और बाकी भाई यहाँ पे बन रहा है हमारा नाश्ता। नाश्ते में क्या है मम्मा? रोटी है और हरी सब्जी। और देख इसने वो बनाया और यहाँ पे रख के छोड़ के चला गया। क्या बनाया उसने? शेक बनाया ना। शेक पी रहा है, देखो शेक पे शेक पी रहा है। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, शेक पे शेक पी रहा है। पढ़ भी रहा है यार, वैसा मत कर दो, तो बदनाम मत कर उसको इतना ज्यादा। पढ़ भी रहा है, उसको पढ़ा दो तू, जरा सा मैथ पढ़ा दे उसको। मम्मा इस बंदे को क्या ही मैथ पढ़ाऊं मैं, जिस बंदे को डिवीजन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है ना, उसको मैं क्या पढ़ाऊं? फेलियर बच्चा है ये। आपने एक फेलियर बच्चे को जन्म दिया है। बकवास मत कर, एक बात सुन ले, पीछे कर, एक बात सुन। वो अगर होशियार होगा तो तेरा नाम होगा, वो अगर फेल होगा तो तेरा नाम बदनाम होगा। अब देख ले तुझे क्या करना है। मम्मा इसके बेसिक्स हिले हुए हैं, ये पढ़ने के लायक नहीं है और ना ये पढ़ सकता है। अगर तेरे में गुदा है तो ला, 10th में 85% या 80%। चल संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी गुरु महावीर शेरा वाली माता की जय बोलो, आदि शक्ति माता की जय बोलो। बाकी भाई भी नाश्ते में है फ्रूट्स, कितने सारे फ्रूट्स है भाई, गिन के अपने 5 पपीते है भाई, यही खाने पड़ते भाई, क्या करे यार। पैसे बचाने भाई, पैसे बचा के भाई हम एक बहुत बड़ी चीज करने वाले, बहुत बड़ी चीज। वो क्या है? वो सरप्राइज है आपके लिए भाई। बाकी इसके अंदर है अपनी रोटी और यहाँ पे है सब्जी, तो अभी फटाफट से खा लेते हैं भाई। और अभी निकल रहे हैं हम ओम के दांतों को ठीक करने के लिए। बेसिकली गाइस आज संडे है, ये हम काम ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाया था। क्योंकि क्यों नहीं हो पाया था वो अभी देखो आप। तो गाइस आज भाई हमको मिल जाएगा ओम की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भाई, बिकॉज जो ओम के दांत में दिक्कत है ना भाई, वो आज हम ठीक कर देंगे। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास ओम के ब्रेसल्स लगवाने के लिए। ओम के दांतों में मस्त ब्रेसल्स लगवाएंगे, बिकॉज भाई जो ओम के दांत है ना भाई, उनमें बहुत ज्यादा ही गैप है। ओम भाई ये देखो भाई, इसको ऐसा करना पड़ता है अपने दांत छुपाने के लिए। अबे क्या? अरे यार वीडियो कॉल का है यार, हम दोनों ने ऐसे करके एक स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ स्क्रीनशॉट ले रहा भाई, दांत छुपा रहा है अपने। एक बार दांत दिखाइयो। ओह माय गॉड क्या खतरनाक दांत है इसके। ये 15 साल का है, 10th में पढ़ता है और इसके दांत कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो उसके दांत हमको ठीक करने हैं, बिकॉज भाई वो बहुत गंदे लग रहे हैं और ये कह भी रहा है कि भाई ठीक कर दो। हेलो भाई, तो पापा रेडी है? पापा चले। पापा क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में कि क्या इसके दांत हमको ठीक करने चाहिए या नहीं? अभी क्यों नहीं करने चाहिए, उसके दांतों में गैप कितना? देख एक दांत तो उसका आया ही नहीं है, देखो दिखा दांत दिखा। अच्छा एक आया ही नहीं है? एक दांत आया नहीं है और दांतों में गैप भी बहुत ज्यादा है। तो अभी ये उम्र है, इस उम्र में अगर लग जाएगा ना तो परफेक्ट हो जाएंगे दांत, तो बाद में फिर मुझे गाली देगा और किसी को देगा नहीं। दांत कहता था मेरे दांत भी ठीक नहीं कराएगा। हाँ। मैं जानता हूँ ना इसकी हालत क्या है। सही कह रहे हो भाई साहब, मेरे दांत कैसे हैं? मोहन जी क्या हाल है? बस बढ़िया, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, बच्चे को लेके? बंद हो गया? अरे 6:30। हे भगवान, तो अब आपका कल कितने बजे यार इसका प्री बोर्ड एग्जाम चले ना, कल शाम का कितने बजे आओगे? तो शाम को खाली हो नहीं, तो शाम को कितने? शाम को ये खाली, शाम को कितने बजे खाली होता बेटा? ट्यूशन कल कितने बजे है? ये ट्यूशन जल्दी जा सकता कल? आज भी जल्दी आता, 4-6। ट्यूशन की छुट्टी कब होती है? संडे को आप खुला होता आपका? संडे ये फुल पूरा दिन खाली है। अगर सुबह 11 बजे और शाम को अगर आऊँ तो कितने बजे आऊँ? नहीं 6:30 तो आपका बंद ही हो जाता ना यार। नहीं यार मेरा सर नहीं, 11 बजे मैं संडे को आ रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लिख लो आप। ठीक है, ललित पांडे करके। ठीक है ओके। और भाई ये आपने देख लिया है, तो हमने फिर आज की अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर के साथ संडे की। तो अभी हम जा रहे हैं ओम के दांतों को ठीक करा रहे हैं। तो भाई आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि इसके जो दांत है वो, अबे रुक जा भाई, दांत आज इसके ठीक हो जाएंगे। दांत रेडी होंगे आज, देखेंगे सब। 2-3 बार हमको और जाना पड़ेगा उनके पास, तब जाके होंगे। कोई बात नहीं, आज चलते तो है भाई, आज शुरुआत करते हैं। हाँ। चल भाई आज से ओम का ऑपरेशन है, आज से ओम के दांतों का ऑपरेशन स्टार्ट। अरे पापा डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर तो मिल ही नहीं रहे। यही था यार,
यही पड़ता कहीं अगल बगल में यही मिल जाएगा कहीं मिल गया यही था मैं आया था ना एक बार इतना मुझे क्लियर नहीं है कि कहाँ पड़ता कर क्यों आप उनको फोन कर लो ना डॉक्टर को देखते हैं रुजा मिल जाएगा क्या डॉक्टर जी से बोलो लाइव लोकेशन भेज दें भाई साहब परेशान हो चुके भाई परेशान हो चुके ना हमको इनका क्लिनिक मिल रहा है डॉक्टर का ना इनका डॉक्टर का नंबर मिल रहा है ना इनका कुछ हमको एड्रेस मिल रहा है हम पिछले 15 मिनट से भाई अपनी गाड़ी कभी ऊपर घुमा रहे कभी नीचे घुमा रहे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे पापा कहाँ है यार कहानी क्या है यार यही था इसी लोकेशन में था मैं क्या बताऊँ कहाँ था ये तीसरा चक्कर है हमारे ऊपर को जाते हुए मैं क्या करूँ बता यही था मैं आया हूँ एक दो बार आया हूँ बस ओम भाई क्या करे यार भाई कुछ नहीं सर ये डॉक्टर देवानंद का बैठते हैं डॉक्टर देवानंद डेंटिस्ट वाले डॉक्टर देवानंद पहली बार सुना लोकेशन कहाँ बताइए यही बताइए यही इसके आसपास ही आप अभी जानते हो क्या क्या है डॉक्टर देवानंद देवानंद डेंटिस्ट है डेंटिस्ट अच्छा देवान गुप्ता उनकी मिस का नाम हाँ हाँ समझ गया हाँ वो पहले यहाँ क्या वो वहाँ नवाबी रोड में नवाबी साइबान नवाबी रोड यहाँ पर थे ना यहाँ पे यहाँ चले गए हाँ कहाँ थे पहले यहाँ पर सामने हाँ इसमें थे अच्छा यहाँ पे थे अच्छा उनकी बेटियाँ ही हुई थी हमारे वहाँ बेटी ही हुई थी अच्छा तो अब कहाँ है उनका क्लिनिक नवाबी रोड में बोर्ड देखा था हमने चलिए ओके सर थैंक यू फैदा रोड में नहीं नहीं वहाँ तो कब का खड़ गया वो कहाँ गया वो तो वहाँ चला गया जहाँ पे भाजपा कार्यालय है अपने घर के घर में खोल दिया था उसने अबे यार भाजपा कार्यालय पे है ओहो अच्छा देवानंद जी तो हमारे मित्र हैं उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया मतलब नैनीताल चक्कर के कम से कम 6 चक्कर मार चुका हूँ तो भाई साहब आधा पौना घंटा घूमने के बाद फाइनली हमको मिल चुका है क्लिनिक भाई वो क्लिनिक जो जहाँ पर था भाई वो वहीं पे था बट वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है अब वो वहाँ पे बंद हो गया है तो अब शिफ्ट होके वो दूसरी जगह खुल चुका है तो ये कहानी है बाकी भाई ओम भाई सो गया ओम भाई उठ जा डेंटिस्ट मिल गए उठ जा उठ तो भैया शूज खोल लिए यहाँ पे अब जा रहे हैं अंदर क्लिनिक में हेलो सर हेलो कैसे ये बड़ा परेशान है अपने दांतों से तो मेरे बेटा तू जा रहा देवानंद जी के पास में तेरे सारी समस्या क्या हुआ ये है मैं बता दूंगा इसका जो ये दांत ना ये वाला जो ये दांत है इसकी मम्मी ने मतलब दिल्ली था कि मुझे एक्सरे करा दे पड़ोस में ही तो मैंने कहा मैं दादा मैं दिखाऊं ना मैं दिवाली के बाद जाता हूँ ये तो इसमें मतलब कि अब दांत वो करेंगे अंदर दांत है ही नहीं अच्छा अंदर दांत ही नहीं है अंदर दांत ही नहीं है मतलब एक दिक्कत नहीं है दिक्कत बहुत है दांतों में दांत टेढ़े भी है गैप भी है कुछ आए भी नहीं है आया कौन सा नहीं ये 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 है ना ये दांत आया कहाँ है अच्छा ये आया नहीं मुझे लगा निकलवा दिया आप कह रहे नहीं 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 ये बचपन इधर तोड़ा था अपने हाथ से तोड़ा तब से आया ही नहीं तब से आया नहीं है तो अभी गैप भी खत्म करना चाह रहे हो इसको भी है इसको ऊपर दांत अंदर भी हो जाए बढ़िया दांत हो जाए गैपिंग हैपिंग सब खत्म हो जाए ये करना है इसका काम और मैंने तो अगर यहाँ अगर नहीं होता अगर बाहर रेफर करते तो बाहर कराएंगे जैसी आपकी मर्जी है अच्छा पूरे मुंह का एक्सरे अच्छा ये तो छोटा एक्सरे है एक ना पूरे मुंह का एक्सरे होता है उससे क्या होगा उससे और भी चीजों का पता लगेगा तो पहले इनको अंदर करके ना यहाँ पे एक थोड़ी जगह बनाएंगे फिर बाद में यहाँ पे एक दांत लगेगा पतला सा निकल जाएगा कोई वो अच्छा नहीं लगेगा इसके जितना होना चाहिए अच्छा इसके जितना अच्छा तो पहले अंदर को करके यहाँ पे दांत लगाएंगे अंदर कर देंगे अंदर कैसे होंगे तार से तार तार का है ना सर वो गैप भी खत्म कर देगा
बन जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बनेगी जगह है तो दांत को थोड़ा सा उधर को शिफ्ट करके अंदर को में तो यहाँ जगह बनेगी। अच्छा वो जगह बनाई जाएगी। तार कौन सा तार का क्या अमाउंट बताओ ना। तार तो यार इसके ठीक है जैसे खाना खाते वैसे। दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला एक ही है। एक ही कैसी बातें कर रहे पापा। गुंगा थोड़ी है वो यार बोलेगा यार। क्या तार लग गया पता मुंह ही बंद हो गया इसका। ना ना ऐसा नहीं होता ना बात तो होती आदत बन जाएगी। तो ठीक है कल एक्सरे करा लाते हैं। तो गाइस फाइनली भी काम हो चुका है और सर ने काफी अच्छी हमको टिप्स दी है ओम के दांतों के लिए। तो सर हो जाएगा काम हो जाएगा। ये जो सर है ना ये जो सर है तो तेरे मामा नहीं है धीरज। मेरे मामा सगे मामा उनके ये क्लासमेट है खास दोस्त है उनके एक साथ पढ़े। तो गाइस ये मेरे भी मामा हो गए। तो भाई अभी हो चुका भाई ओम के दांतों का काम कम्प्लीट। ऐसा नहीं है अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी हम जा रहे सबसे पहले भाई ओम के दांतों का एक्सरे कराने के लिए। तो पहले कराएंगे एक्सरे और फिर होगा ओम का ट्रीटमेंट स्टार्ट। तो भाई अभी फाइनली भाई घर पहुंच चुके हैं और भाई एक दुख खबरी ये है कि भाई मेरे चार दांतों में कैविटी हो चुकी है। भाई हल्की हल्की बहुत माइन्यूट है बहुत ज्यादा माइन्यूट है लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी है। एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। मेरे यहाँ कभी कभी यहाँ दुखता है। दिखाओ दुखता है ऐसे करके। अब मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ आज। मम्मी दांत साफ है यार। साफ है यार। दुखता क्यों यहाँ? उम्र उम्र का क्या करेगी बुढ़ापा आई अब। अच्छा ये तो बच्चा इसकी कैविटी कैसे हो गई? है इसकी कैविटी कैसे हो गई? उल्टी उल्टी चीज खाता है कुल्ला नहीं करता हुआ। हमारा दांत देखो अभी तक लोहा तोड़ दिया सारे दांत। पूरा दांत ही खा लिया था आपका तो। तो भाई फिलहाल भाई अभी तो घर पहुंच चुके हैं भाई और घर पहुंचते ही यहाँ पे रेडी अपना खाना खाने में है मस्त दाल चावल यहाँ पे है मूली गाजर मस्त खा रहे भाई। आपको बधाई हो कि आपके बेटे के बहुत जल्दी ब्रेसल्स लगने वाले हैं ओम भाई के। तो उसको देना बधाई मेरे को क्यों दे रहा है? आप माँ हो ना इसलिए दे रहा हूँ आपको। अगर वो पढ़ाई में फेल होगा तो आपको बधाई दूंगा। फेल होगा तो बधाई देगा मतलब पास होगा पास होगा तो बधाई दूंगा। मत कर बकवास बधाई हो। अब गाजर है वो गाजर को खाते है पढ़ाई के साथ साथ पागल भी हो गया है। नानी ओ नानी रुको आओ प्रणाम। तो गाइस हमको मिल चुकी है हमारी नानी। चलो 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 बैठो 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 बैठ जाओ। हाँ पहले पहले घुमा लेता हूँ। क्या बात है नानी पढ़ाई नहीं कर रहा है ये पढ़ाई कर रहा वो फेल हो रहा है ये आजकल बिना पढ़ाई कुछ नहीं है। ये जो भाई कर रहे हैं तो मेरा पढ़ाई है। हैं नानी आ गई है। खाना खाओ चावल नहीं है। चावल नहीं है चावल नहीं है पता नहीं। अरे बड़ा खा लो खा लो पहले पहले खा लो। सैल चावल नहीं है बनाया तो था अभी वहां कूकर तो है कूकर कहां गया खत्म हो गया। ये देखो भाई नानी लाई है माल पानी ये हमारी फेवरेट गजक। मैं भी नहीं खाऊंगा मेरा मन नहीं हो रहा। खा ले खा ले ए खा ले अभी खाना खाया यार। अच्छा अच्छा नहीं नहीं बच जाएगा बच जाएगा बचेगा नहीं भाई देख ले भाई सब खा जाऊंगा मैं। इस बड़ी गाड़ी में तो बैठना ही मुश्किल है। अरे शूटिंग के लिए करी थी शूटिंग। तो भाई अभी छोड़ना है भाई नानी को और मम्मी को। किसके वहाँ? नानी चाची। किसकी नानी? नानी चाची मेरी चाची तेरी नानी।
बाय बनानी, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, प्रणाम, जीता रहो, खुश रहो, चलो बाय बाय, बाय बाय, चलो ठीक। दिवाकर भाई क्या हाल है? स्मार्टेस्ट लौंडे मारे कौन से? इसके अंदर से चले, इधर से ले, है ना? अब देखो भाई साहब, स्मार्टनेस तो यहाँ पे है भाई। बंदा कपड़े वपड़े परफ्यूम डाल के भाई साहब, गोल्डी भाई, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, जैकेट लाके जा चुके अपने घर। और भाई हम गए थे कुछ कुछ चीज प्लान करने के लिए, और वो चीज क्या है? बहुत बहुत थकान हो गई है, बहुत ज्यादा थक गए प्लान कर करके, लेकिन कुछ है सरप्राइज, दिव्यांश को पसंद आएगा। अभी दिव्यांश को भी नहीं पता भैया ये चीज, मतलब कंफर्म मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है भाई, ये सरप्राइज दे रहे हैं। अभी नहीं पता है ये बार, इसको भी नहीं पता अभी, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? तेरी ऑडियंस को मजा आ जाएगा देख के चीज को भाई साहब। सर क्या है, व्हाट इज प्लानिंग समथिंग बेसिकली? मतलब गाइस मुझे पता है, कुछ चीजें पता है बस, लेकिन जो मेन चीज है वो बस ये है। अरे यार अगर तुझे बता देंगे तो चीज का फन खत्म हो जाएगा ना। नहीं यार बस ये है, कल एक दिन के लिए दिव्यांश को बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है, और उसका धीरे धीरे चीजें आती रहेंगी, ब्लॉग में दिखती रहेंगी। ओ भाई साहब, सर, ओ माय गॉड। तो गाइस अभी तो भाई मस्त भाई घर पहुंच चुका भाई, और घर पहुंचते ही भाई नाश्ता बोल रहा भाई, वाह, रात का खाना रेडी भाई। खाने में है अपना आमलेट और रोटी, तो यही खाते फटाफट से। और बस गाइस अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग देख के मजा, आपके चेहरे पे स्माइल है, अपने एंजॉय करें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, विल टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार है ना, टिल देन बाय बाय, बटन नो के सोते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है।